दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूट्रिशन 99 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कैस्टर ऑयल के बारे में। दोस्तों कैस्टर ऑयल को हिंदी में अरंडी का तेल भी कहते हैं। कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि अरंडी का तेल क्या है और कैस्टर ऑयल कोई नई चीज़ है। दोस्तों कैस्टर ऑयल कोई नई चीज़ नहीं है। आप अगर दुकान पर जाके अरंडी का तेल भी मांगेंगे या फिर कैस्टर ऑयल भी मांगेंगे तो आपको मिल जाएगा, और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, सस्ता होता है। तो आज हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे, और मेरे हिसाब से तो इसके बेनिफिट इतने हैं कि ये आपके घर में ज़रूर होना ही चाहिए। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इतने ज़्यादा बेनिफिट और किसी के तेल के शायद ही हों। तो बात करते हैं सबसे पहले तो अरंडी का तेल या फिर कैस्टर ऑयल सबसे ज़्यादा आजकल चलन में इसलिए है कि इसके हेयर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अगर आप दाढ़ी बनाना चाहते हैं तो दाढ़ी के लिए इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, आपकी दाढ़ी घनी होती है। लेकिन इसके अलावा अगर दाढ़ी के लिए बेनिफिट नहीं है, इसका हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिट। अगर आपका हेयर थिनिंग है, पतले हो रहे हैं, बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं या फिर हेयर फॉल हो रहा है, तो उसे कंट्रोल करने के लिए भी आप कैस्टर ऑयल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैस्टर ऑयल को अपने जो रेगुलर तेल यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और तेल यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें मिक्स करके अगर आप अरंडी का तेल इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। दूसरा है कि अगर आपको जॉइंट पेन है, जॉइंट कहीं भी आपके बैक में दर्द है या फिर घुटनों में दर्द है, तो वो अगर आप वहाँ पे मसाज करेंगे कैस्टर ऑयल की तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। अगर आप रेगुलर मसाज कर रहे हैं अरंडी के तेल से उन जगह पर, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इससे। अगला जो बेनिफिट है वो है कॉन्स्टिपेशन के लिए। आजकल बाहर का खाना खाने की वजह से या फिर कम एक्सरसाइज की वजह से कॉन्स्टिपेशन की या फिर कब्ज की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है सभी को। इसके लिए लोग तरह तरह के चूर्ण यूज़ करते हैं, कई तरह की टैबलेट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर लिक्विड फॉर्म में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर आप ये अरंडी का तेल इस्तेमाल करेंगे तो इससे ही आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये आपको इस्तेमाल कैसे करना है, अगर आप दूध पीते हैं तो रात को दूध में आप एक चम्मच अरंडी का तेल पी लीजिए, तो आपको सुबह तो आपका सुबह अच्छे से पेट साफ़ होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। ये आपने सिर्फ चार दिन ही करना है, चार दिन से ज़्यादा नहीं करना। अगर आपको दो दिन में ही ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिल रहा है तो आप ज़्यादा चार दिन भी ना करें। तो ये बेनिफिट है इसके कॉन्स्टिपेशन के लिए। अगला जो बेनिफिट है इसका, अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है या फिर होंठ ड्राई रहते हैं या फिर आपकी स्किन पे पिंपल वगैरह है, दाग धब्बे हैं, तो उसके लिए भी इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप स्किन पे इसे यूज़ करते हैं तो वो आपके दाग धब्बे दूर होंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप लिप्स पे यूज़ करते हैं तो आपके लिप्स अगर खुश्की वगैरह है या फिर ड्राइनेस है आपके लिप्स पे, तो वो भी दूर होगी। इसके अलावा अगर आईज़ ब्लैक हो गई हैं, जैसे कि आँखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, अगर आपकी आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं तब आप वहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो उनसे भी आपको निजात मिल सकती है। तो ये सारे बेनिफिट हैं आपकी स्किन के लिए। अब कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है कि उनकी एड़ियाँ बहुत फटती हैं, चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, उनकी एड़ियाँ फटी रहती हैं। ज़्यादातर ये प्रॉब्लम गर्मियों में रहती है क्योंकि गर्मियों में हमारे पैर खुले रहते हैं। सर्दियों में ये तकलीफ़ कम ही होती है, सर्दियों में अगर आप शूज़ वगैरह पहनते हैं तो। अगर आपकी एड़ियाँ फटी रहती हैं तो आप रात को इससे मसाज कीजिए अरंडी के तेल की अपनी एड़ियों में और सुबह धो लीजिए, तो इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगला जो बेनिफिट है वो है स्ट्रेच मार्क्स। अब अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच मार्क मिल जाएंगे, या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, हैवी ट्रेनिंग करते हैं, तब भी उनके बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स वगैरह पड़ जाते हैं। अगर आपको स्ट्रेच मार्क की प्रॉब्लम है तब आप ये कैस्टर ऑयल इस्तेमाल कीजिए, कैस्टर ऑयल से मसाज कीजिए रेगुलर, एक से दो महीने रेगुलर मसाज कीजिए, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा स्ट्रेच मार्क्स को लेकर, आपके काफ़ी ज़्यादा रिमूव हो जाएंगे स्ट्रेच मार्क्स। अगला जो बेनिफिट है वो महिलाओं के लिए है। महिलाओं में आजकल ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही है। अगर आपकी भी ब्रेस्ट में ज़्यादा गिल्टियाँ वगैरह बन रही हैं, गिल्टियों की वजह से इन्हीं से ही ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। अगर आपको गिल्टियाँ वगैरह फील होती हैं तो आप कैस्टर ऑयल से मसाज कीजिए और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आपके ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो आप इससे भी कंट्रोल कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स थे कुछ कैस्टर ऑयल के जो मैंने आपको बताना चाहता था। आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। इसके साथ कुछ सावधानियां भी हैं, जैसे कि अगर आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो 4 दिन से ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर आप 14 साल से छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो आधा चम्मच ही दीजिए, इससे ज़्यादा मत दीजिए। बाकी अगर आप स्किन वगैरह पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो स्किन पे पहले आप स्किन टेस्ट कर लीजिए अपने हाथ पे या फिर बाजू पे लगा के, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग अलग है तो हो सकता है आपको रिएक्शन वगैरह भी हो सकता है, तो इसके लिए आप स्किन टेस्ट करवा लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो प्रेगनेंसी में आप इसे मत यूज़ कीजिए। तो ये सारी कुछ सावधानियाँ हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आई होप कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।